हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू चैनल। दोस्तों मैं आज आया हूँ अपने ये गांव में आया हूँ। गांव में एक्चुअली मैं सोचा कि थोड़ा सा गांव भी घूम लिया जाए, क्योंकि गांव का भी माहौल बहुत अच्छा लगता है। गांव में भी घूमना चाहिए आप लोगों को। आई थिंक आप सभी लोग गांव में भी रहते होंगे, कोई शहर रहता हुआ, जो शहर रहते होंगे वो भी गाँव जाते होंगे। तो मैं अभी गाँव में आया हूँ, तो गाँव का देखिए इस तरह का है। अभी गेहूँ की बुआई हमने कर चुकी है, तो पिछले 21 तारीख को नवंबर में हमने गेहूँ की बुआई की है। आज हो गई तारीख 13 दिसंबर, तो लगभग ये जाम ही चुका है गेहूँ। इसको सिंचाई का टाइम आ गया इसका, गेहूँ का। और हमने कुछ बो रखा है। ये देखिए दोस्तों, ये लहसुन बो रखा है हमने, आलू बो रखा है, धनिया बोला रखा है, धनिया की बुआई हुई है, आलू की बुआई हुई है, लहसुन की बुआई हुई है, ये मूली देख सकते हैं मेड़ी पर। ये लास्ट में मैं देखता हूँ थोड़ा सा, लास्ट में गेहूं की बुआई हमने मशीन से करवाई है। तो दोस्तों मेरे पीछे आप देख सकते हैं इस तरफ गेहूं की बुआई हुई है। दिखा रहा हूँ आपको इस तरफ का। सुबह के टाइम थोड़ा सा गले में खराश हो गई थी, तो जिसकी वजह से आवाज़ थोड़ा इस तरह से आ रहा है। लेकिन आप देख सकते हो गेहूँ हमारा जाम गया लगभग, क्योंकि मशीन से बुआए थे हम इसको। एक होता है हाथ से छीट कर बोना, एक होता है मशीन के द्वारा बोना। तो हमने ये गेहूँ की बुआई मशीन द्वारा करवाई थी, तो लगभग बहुत ही अच्छा ही जाम आया मेरे ख्याल से। देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, आगे देखते हैं इसका जब जमा होगा पूरी पूर्ण रूप से, जब जाम जाएगा सिंचाई के बाद, जब ये ग्रोथ करेगा तब पता चलेगा कि इसकी बुआई अच्छी हुई है। तो अभी दोस्तों ये इस वीडियो कैसा लगा आपको, इस वीडियो में बताइएगा और कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा। और जो भी लोग चैनल पे नए आए या फिर जो अभी देख रहे हैं, प्लीज़ चैनल को छोड़ के जाने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब बटन ज़रूर दबा दीजिएगा और कमेंट करके जरूर जाइएगा कि प्लीज़ कैसा ये ब्लॉग बना है हमारा, ठीक है, ये वीडियो कैसा बना है ज़रूर कमेंट में बताइएगा और सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइए। तो प्लीज़ आप लोगों से अब मैं जाने का इजाज़त दे लेने का समय आ गया है। तो आप लोग जहाँ भी हो मस्त रहें, स्वस्थ रहें और अपने अपने कामों में व्यस्त रहें। जय हिंद।